अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये मामला किस गांव या किस स्टेट का है ये मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन वीडियो में आपने देखा कि सरकार अशरफ़ मिल्लत सैयद मोहम्मद अशरफ मियां की चौचवी जो सादात की छोछा में से हैं और फिर आले रसूल हैं, उनकी ज़ात पर आपने देखा किस तरह से एक दावत रियासी कहे या दावत मरवानी कहे, नाम नेहाद दावत इस्लामी का एक मुबल्लिग जो बदतमीज़ी पर उतर आया और किस तरह से उसने एक आले रसूल से बदतमीज़ी की, इसकी बदतमीज़ी पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि मौला अली के दौर से लेकर बनू उमैया का दौर गुजरा, बनू अब्बासिया का दौर गुजरा और भी ऐसे दौर गुजरे कि जिनमें सादात किराम पर उंगली उठाई गई, उन्हें मारा गया, उन्हें जिंदा चुनवा दिया गया, उनके साथ बेतहाशा जुल्म किया गया और आज भी ये हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे कुल्फी बेचने वाले पीरों के चक्कर में सादात की इज्जत और हुरमत पर उंगली उठाते हैं, तो उसने उठाया क्योंकि जाहिर है कि सादात पर भोंकने वाला, सादात से बदतमीजी करने वाला, आले रसूल की गुस्ताखी करने वाला वो तभी करता है जब वो हलाल ज़्यादा नहीं होता है, हराम ज़्यादा होता है। और ये बात मैंने कुछ ऐसे ही बेतुकी नहीं की, इसकी सनद आप हदीस और कुरान से ले सकते हैं कि हराम ज़्यादा ही आले रसूल का दुश्मन और गुस्ताख होता है। तो ये मुबल्लिग इबलीस जिसे कह लो, मुबल्लिग इलियास जिसे कह लो, क्योंकि ये मुबल्लिग सलाम कहने के लायक नहीं है, क्योंकि इसने अपनी हरकतों से बता दिया कि किस लायक है। मगर मैं कह रहा था ताज्जुब मुझे इस बात पर नहीं, ताज्जुब इस बात पर है कि वो हजरात जो सैयद मोहम्मद अशरफ मियां साहब के आसपास बगल में थे वो खामोश क्यों थे, वो अपनी बुजदली का इस तरह से मुजाहिरा क्यों कर रहे थे, क्यों नहीं उन लोगों ने रोका उसको। एक बंदा आगे बढ़ा, मौला उसे सलामत रखे, लेकिन जो इतनी देर गुफ्तगू हुई, बदतमीजी उस शख्स ने की, उस घटिया नालायक मरवानी जानवर ने की, क्यों नहीं उसको पहले ही रोका गया, उसको ये मौका ही क्यों दिया गया कि वो सैयद मोहम्मद अशरफ मियां साहब पर इस तरह से बदतमीजी के साथ कलाम करें। और दूसरी चीज, इन दावत मरवानी तंजीम के नालायक मुबल्लिगों से गुजारिश है कि आप अपनी औकात में रहें, यह बनू उमैया का दौर या बनू उबासिया का दौर नहीं है, यह दौर अली वालों का है। तुम एक कुत्ता सादात पर भोंकेगा, हम अली वाले हजारों सैकड़ों शेर तुम पर हावी हो जाएंगे, याद रखना तुम कुत्तों की चलने वाली नहीं है। ये जुबान मेरी गंदी तुमको लग रही होगी, लेकिन याद रखना मजबूर तुम जैसे नालायक जानवरों ने किया है। तुम एक कुल्फी बेचने वाले, तुम एक ऐसे शख्स के चक्कर में तुम आले रसूल पर भोंकोगे, यजीद के बच्चों शर्म नहीं आती तुम्हें, तुमने क्या समझ के रखा है? ये इस दौर मरवान का नहीं है, यह दौर हश्शाम बिन अब्दुल मलिक का नहीं है, यह दौर किसी नालायक बनू अब्बासिया का नहीं है, यह दौर अली वालों का, याद रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम आले रसूल पर इस तरह से उंगली उठाओ, आले रसूल पर इस तरह से बदतमीजी के साथ कलाम करो? अपनी औकात में रहो, कोई कूफी कलीम मुल्ला हो या कोई भी कटमुल्ला हो, वो अपनी औकात में रहे। सादात किचोचा हो, सादात अजमेर हो, सादात कलियर हो, या हिंदुस्तान में कोई भी सादात हो, सैयद हो, वाले रसूल हो, अगर किसी ने भी, किसी भी कटमुल्ला बेगैरत ने और बनू उमैया के जरखरीज मौलवी और पालतू मरवानी जानवरों ने अगर कोशिश की कि आले रसूल पर वो भोंके, तो याद रखना हम अली वाले मर्द नहीं गए, हम बुजदिल नहीं है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ मियां पर भोंकने वालों, याद रखो उनका जो खानदान है और वो जिस सिलसिले से मुंसलिक है और जिस आस्थाने से मुंसलिक है, वहां पर उनकी ठोकरों से हजारों मुफ्ती मौलवी मुहद्दिस
पैदा होते हैं, मुजद्दिद पैदा होते हैं, उनकी ठोकरों से लोग मलंग बनते हैं, वली बनते हैं, सूफी बनते हैं। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे कुल्फी बेचने वाले पीर की औकात क्या है जो तुम इस तरह से बातें करोगे अली रसूल पर? फातिमा के बच्चों से, अली के बच्चों से, हसन हुसैन के बच्चों से अपनी हैसियत देखो, अपनी औकात देखो। तुम नाजायज बच्चे हो, हरामजादे हो, और जो तुम आले रसूल पर भोगोगे, याद रखना ये बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा। और मैं इस बात की मजम्मत करता हूं, और मुझे अफसोस है कि ऐसे नालायक लोगों को मौका दिया गया बोलने का और आले रसूल पर भोगने का। मैं तमाम मौलाइयों से, अली वालों से गुजारिश करूंगा, तमाम खानका वालों से गुजारिश करूंगा, अहले तसव्वुफ से जुड़ने वाले लोगों से गुजारिश करूंगा, तमाम आस्थाने के खादिमों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे नालायक मौलवियों को आगे बढ़ने का मौका ना दें। और मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कहूंगा कि जिस तरह से आपकी नजर पीएफआई पर पड़ी, उसी तरह से ये दावत मरवानी, ये दावत इलियासी, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है दावत इस्लामी से, ऐसी नाम निहाद बुरी तंजीमों को उन पर बैन होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उन पर सख्त नजर रखनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, अली वालों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को मौका ना दे। ये दौर अली वालों का है। मैंने जब वो वीडियो देखा, अल्लाह गवाह है, वो वीडियो देखने के बाद मेरे ईमान, मेरा, मेरी रूह में ऐसी कैफियत तारी हुई, मुझे करबला याद आ गया, मुझे करबला याद आ गया कि करबला में किस तरह से हुसैन पर उनके 72 जानिसारों के साथ बदतमीजी की गई। लेकिन याद रखना, उस वक्त हुसैन का लोगों ने साथ छोड़ दिया था, उस वक्त 72 का साथ लोगों ने छोड़ दिया था, मगर आज हम वो यजीद नहीं, वो कूफा कूफी मुसलमान नहीं है जो हम साथ छोड़ देंगे किसी भी आले रसूल का, जिसमें मैं जब तक जान है आले रसूल पर फिदा होकर रहेगी। और बनू मैया के जरखरिस मरवानी पालतू जानवरों से गुजारिश करूंगा कि अपनी हैसियत औकात में रहे, या आले रसूल से बढ़ने की कोशिश ना करे। आले रसूल के, अगर आले रसूल के पैर की जूती भी अगर मिले ना, तो उसे सर का ताज समझो, उसे और कुछ ना समझो। अगर समझोगे तो दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी, वरना यहां पर तो जलील होंगे होंगे आप, आखिरत में भी आपको रसूल के सामने शर्मिंदगी का बाइस होना पड़ेगा, और वहां पर शर्मिंदगी का जो टोकरा है वो आपके सर पे रख दिया जाएगा और लात मार के जहन्नम में भेज दिया जाएगा। तो याद रखना, आज के बाद मैं तमाम मौलाइयों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को जरा सा भी मौका ना दे। मुझे तो बार बार अफसोस और ताज्जुब इस बात पर है कि सैयद मोहम्मद अशरफ मियां पर वो कुत्ता भौंक रहा था और तमाशा देखने वाले तमाशा देख रहे थे। उन मुल्लाओं को क्या हुआ था? क्यों नहीं उसको जवाब दिया गया? क्यों नहीं उसको पहले ही रोका गया? एक बंदा बड़ा खाली आगे। लेकिन मैं उस बंदे को सलाम करता हूं कि उसने हिम्मत तो की, बाकी सब तमाशा देख रहे थे, मुंह मीठा बन रहे थे। लेकिन एक बात तो सच है कि 50,000 मौलवी मुफ्तियों ने फतवा दिया था हुसैन के कत्ल का, कि हुसैन का कत्ल जायज है। ऐसे ही मौलवी सादातों के दरमियान रहते हैं, आसपास रहते हैं, और इनकी बेहुरमती की जाती है, और ये लोग तमाशा देखते हैं, कुछ बोलते नहीं अपनी रोजी रोटी के चक्कर में। तो हजरात, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा मौका ना दें इन लोगों को। ये जैसे ही बोलते इनकी जुबान बाहर खींचो। कोई कतन बर्दाश्त नहीं हुआ कि आले रसूल की शान में कोई गुस्ताखी करे, सादात की शान में कोई गुस्ताखी करे। हमें आप गाली दोगे, हमें आप बुरा बोलोगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, बेशक वो करते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हम कतान बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई सादात की इज्जत पर भोके, कोई सादात की हुरमत को पामाल करे। बस ये मेरा पैगाम था, और जो बड़ा दर्द था मेरे दिल में वो मैंने आपके सामने रखा। आपसे गुजारिश है कि मेरी बात पर जरूर गौर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अली मदर।